क्लास नाइन सब्जेक्ट फिजिक्स है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन से दिया जा रहा है। एक नंबर है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा करने पर उनके उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो वस्तु की बीच की दूरी d है और बीच की दूरी को अगर आधा कर देंगे तो d/2 होगा। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है F बराबर g × m गुना m/d2। g क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। m जो है पृथ्वी पर उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर है, और पृथ्वी के द्रव्यमान और वस्तु के बीच की दूरी d है, तो d² होता है। अब d की जगह पर d/2 रखेंगे आधा, तो gm गुने m/d/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे। g × m × m/d/2 का होल स्क्वायर होगा d²/4 होगा, और gm × m में d²/4 से ये भाग है, तो भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, इसलिए 4 ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और 4 × g × m/d², ये gm×m/d² देखिए ये गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का ये 4 गुना हो जाएगा। अगर बीच की दूरी को दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर आधा कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे? तो पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, मुक्त पतन क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से अगर कोई वस्तु गिरती है तो त्वरण कार्य करता है, और स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, तब हम कहते हैं कि वह वस्तु मुक्त पतन में है। चौथा प्रश्न है, एक कागज की शीट, उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? क्योंकि कागज की शीट से ही मरोड़ कर एक गेंद बनाया गया है, और गेंद को अगर ऊपर से गिराया जाता है तो शीट की अपेक्षा वह धीमे गति से गिरता है, क्योंकि जब सीट को मरोड़ कर जब गेंद बनाया जाता है तो वायु का प्रतिरोध उस पर अधिक लगता है, और वायु का प्रतिरोध उसे गिरने में थोड़ा कम कर देता है, इसलिए गेंद जो है धीमे गति से नीचे की ओर गिरता है, जबकि कागज की सीट पर वायु का प्रतिरोध बड़ी कम लगता है, जिसके फलस्वरूप वह सीट तेजी से गिर जाता है। लेकिन गेंद जो है मरोड़ कर बनाया गया है तो उस गेंद पर वायु का प्रतिरोध बहुत अधिक लगता है, और वायु का प्रतिरोध अधिक लगने के कारण ही वह गेंद धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है। पांचवा प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान को एम मानेंगे और उसके भार को W से सूचित किया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण को G से। तो किसी वस्तु के भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार को W से सूचित किया जाता है और द्रव्यमान को M से और गुरुत्वीय त्वरण को G से। देखिए लिखा हुआ है, वस्तु का भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, तो वस्तु के भार को W से, तो W बराबर m × g, अर्थात भार जो होता है वस्तु का वह उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। छठा प्रश्न है कि एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? क्योंकि सभी वस्तु चाहे भारी हो या हल्की हो या बहुत हल्की हो,
अगर एक ही दर से एक दर से एक समय अगर गिराया जाए तो भारी वस्तु और हल्की वस्तु या उससे भी कम हल्की वस्तु है, सभी वस्तुओं पर एक समान रूप से गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, और गुरुत्वीय त्वरण कार्य करने के फलस्वरूप चाहे भारी वस्तु हो या हल्की वस्तु हो, एक समान दर से नीचे की ओर गिरती है। मैंने कहने का मतलब, चाहे भारी हो या हल्की वस्तु हो, एक समान दर से नीचे की ओर गिरती है, यह गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर कार्य करता है। सातवां प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? क्योंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार जो त्वरण होता है उस वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण जो है वो उस गुरुत्वीय बल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वह गुरुत्वीय त्वरण जो है वह वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा से पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान जो है चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, इसलिए पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर गति करता नहीं दिखाई देता है। यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार है कि गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वह वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक रहेगा तो वह चंद्रमा की ओर गति करता हुआ दिखाई नहीं देता है।